दोस्तों Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi Note 4 इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसका दो वर्जन आपको अभी इंडिया में मिलेगा और ये एक्सक्लूसिवली आपको Flipkart पे मिलेगा 23 जनवरी 2017 से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी, आपका सनी में स्वागत है। चलिए शुरुआत किया जाए। दोस्तों यहाँ पे की तरफ से Xiaomi Redmi Note 4 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये आपको Flipkart में मिलने जा रहा है 23 जनवरी 2017 से। तो इस फोन के स्पेसिफिकेशन बारे में अगर जान लेते हैं, चलिए मैं पहले आपको इस फोन का स्पेसिफिकेशन के तरफ ले जाता हूँ और इस फोन का स्पेसिफिकेशन जो है आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा जिसका पिक्सल डेंसिटी 4401 का है। प्रोसेसर जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 621 का प्रोसेसर जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये क्लॉक करता है 2 GHz पे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिक्स का तरफ, तो ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे मिलता है Adreno 506 का, यहाँ पे आपको GPU मिल जाता है। स्टोरेज जो है यहाँ पे आपको मिलता है दो वर्जन का, यहाँ पे आपको मिलता है जैसा कि मैंने कहा आपको दो वर्जन का फ़ोन मिलता है, तो यहाँ पे आपको दो वर्जन का स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। पहला जो है 32 GB और दूसरा 64 GB। उसी के साथ आपको यहाँ दो वर्जन का रैम भी मिलता है 3 GB और 4 GB। इसका मतलब हुआ यहाँ कि आपको दो वर्जन का यहाँ पे आपको फ़ोन मिलने जा रहा है। पहला वर्जन जो है उसमें आपको 3 GB का रैम मिलता है, उसके साथ ही आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और दूसरा वर्जन जो है यहाँ पे आपको 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कैमरा के बारे में। तो मैं बता देता हूँ कि जो कैमरा है उसका रियर कैमरा जो है 13 MP का कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है एपर्चर 2.0 के साथ, और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 MP का मिलता है एपर्चर 2.0 के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहां पे फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग में आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में, तो मैं बता देता हूं यहां पे आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका जो स्टोरेज है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप यहां पे एचडी कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक आप यहां पे एचडी कार्ड इसमें लगा सकते हैं, मगर जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है वो आपका हाइब्रिड स्लॉट है। अब दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं सिम स्लॉट के बारे में, तो आपको डुअल सिम स्लॉट आपको यहां पे मिल जाता है जिसमें 3G 4G 2G सब चलेगा, मगर जो सिम स्लॉट है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप एक सिम यूज़ कीजिए और मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए, या तो आप दो सिम यूज़ कीजिए और मेमोरी कार्ड फिर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। उसी के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, FM रेडियो, GPS, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। बैटरी की बात कर लेता दोस्तों, तो बैटरी जो है यहाँ पे 4100 mAh का बैटरी दिया गया है। अब ये जो कलर ऑप्शन है ये आपको ब्लैक, गोल्ड और ग्रे कलर में ये अवेलेबल है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते दोस्तों, तो जो इसका प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट में वो आपको 10,999 मिलेगा, और 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वर्जन है वो आपको 12,999 में मिलेगा। ये आपको एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगा ये फ़ोन। था इसका दोस्तों स्पेक्स, इसका मतलब इसका फ़ोन का स्पेसिफिकेशन बारे में ये सारा डिटेल था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, अगर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और ये फ़ोन अगर आप नहीं लेना चाहें तो क्यों नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पहले इसका एडवांटेज, इसका मतलब ये फ़ोन अगर आप लेना चाहें तो क्यों लेना चाहें, और इसका एडवांटेज जो है फ़ोन का क्या है। तो पहला जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे आपको बैटरी, यहाँ पे आपको 4100 mAh का बैटरी मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4100 mAh का जो बैटरी आपको यहाँ मिलता है, इसका मतलब बैटरी बैकअप का बहुत अच्छा होने वाला है, बैटरी लाइफ आपको बहुत अच्छी इसमें मिल जाएगी। दूसरा जो एडवांटेज है प्रोसेसर जो है आपको यहाँ स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बैलेंस प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आपको हीटिंग इशू नहीं होगी, आपको हीटिंग इशू जो है आपको इस प्रोसेसर में नहीं मिलेगा, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही आपको जो इसके मैच में मिल जाता है Adreno 506 का GPU, तो मैं बता देता हूँ ये दोनों का जो मैच है 625 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और Adreno 506 का GPU, जो दोनों का मैचिंग किया गया है ये कमाल का मैचिंग किया है दोस्तों। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको मिलेगा, और इस दोनों का जो मैच है वो सोने पर सुहागा जैसा मैच है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हो दोस्तों, जो फिफ्थ नंबर है वो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में कंपेयर किया जाए इस फ़ोन को, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन जो है, मैं बता देता हूँ ये फ़ोन जो है इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है।
अब चलिए कॉन्स की तरफ जाते हैं, इसका और इसका डिसएडवांटेज क्या है और ये फोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो पहला सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इसका जो स्क्रीन है इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपका फोन 15 या 20 फुट के ऊपर से गिरा तो फोन क्रैक हो सकता है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास का इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें रहता तो काफी अच्छा होता। दूसरा जो है डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। इसका मतलब या तो आप एक सिम यूज कीजिए या आप एक मेमोरी कार्ड यूज कीजिए, या तो आप जब दो सिम यूज करेंगे तो आप मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट का चक्कर जो है यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल सभी फ़ोन में मैक्सिमम फ़ोन जो स्मार्टफोन नया निकल रहे हैं इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट का ट्रेंड चल गया है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मैक्सिमम फ़ोन में दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मोटो एम निकला था, उसमें भी हाइब्रिड सिम स्लॉट था। तो हाइब्रिड ट्रेंड ये चल चुका है और ज़्यादा करके हाइब्रिड सिम स्लॉट भी मिलता है आजकल। मगर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपका इसमें 2 वर्जन आपको मिल जाता है, 32 GB और 64 GB। तो अगर आपको स्टोरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 64 GB अगर आप ले रहे हैं तो इनफ स्टोरेज है मेरे ख्याल से। मगर तो भी आपको कम लगता है तो ये आपको एक सिम यूज़ करके एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो था एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस फ़ोन का, आप क्यों ले सकते हैं ये फ़ोन को और क्यों नहीं ले सकते हैं इस फ़ोन को। अब आपको अगर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ इसका डिज़ाइनिंग है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग है फ़ोन का। उनका डिज़ाइनिंग है वो सेम टू सेम मिलता है रेडमी नोट 3 की तरह। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में भी बात किया जाए तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है रेडमी नोट 3 और रेडमी नोट 4 में। डिज़ाइन सेम टू सेम है, आपको दोनों अगर फ़ोन दे दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा रेडमी नोट 3 है कौन सा रेडमी नोट 4 है डिज़ाइन के हिसाब से। और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप Redmi Note 3 यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसे अपग्रेड करना चाहें Redmi Note 4 में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से Redmi Note 3 को अपग्रेड ना करें, क्योंकि डिज़ाइनिंग के हिसाब से कोई सेम टू सेम है और परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप Redmi Note 3 यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट वेट कीजिए Redmi Note 5 के लिए शायद। और अगर आप नया स्मार्टफोन अगर लेना चाहते हैं अभी फ़िलहाल इस रेंज में, तो आप Redmi Note 4 में ज़रूर देख सकते हैं, Redmi Note 4 को ज़रूर आप ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये फ़ोन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फ़ोन जो है मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि ये फ़ोन आपको Flipkart पर एक्सक्लूसिवली मिलेगा 23 जनवरी 2017 के रात के 12 बजे से इसका सेल शुरू हो जाएगा। और इस फ़ोन को आप 23 जनवरी 2017 को रात को 12 बजे के बाद से आप उस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। पहला वर्जन मैं आपको फ्री याद दिला देता हूँ, पहला जो वर्जन है वो 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, 3 GB रैम है, इसका दाम है 10,999 रुपया। दूसरा जो वर्जन है उसका 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, इसका दाम है 12,999 रुपया। तो आप अपने हिसाब से आप फ़ोन को सर्च करके ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था Redmi Note 4 के बारे में। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक दबाएं, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, आप जरूर उसमें क्लिक कीजिए, और वीडियो के साइड में भी आप राइट साइड के नीचे कॉर्नर में भी आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमेशा लाता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। और जितना बन सकता है आप उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो यहाँ पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।